अथक परिश्रम और निरंतर दृढ़ निश्चय के साथ कठिनाइयों का सामना कर सपने को वास्तव में बदल दिया। असाधारण काम, असाधारण उपलब्धि, एक छोटी सी आशा की किरण के साथ धैर्य और प्रतिबद्धता के साथ शुरू हो गया। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जागतिक स्तर पर औषध विज्ञान क्षेत्र में भारत का नाम गौरवान्वित किया। डॉक्टर लोकेश्वर राव सज्जा एक सीनियर कंसल्टेंट, वरिष्ठ सलाहकार, कार्डियोथोरासिक सर्जन, एक नव प्रवर्तक, एक अनुसंधान विद्वान और बहुत ही दयालु इंसान हैं। उनका जन्म 1956 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही वो बहुत मेहनती विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर सज्जा एक छोटे से गांव से हैं, आंध्र प्रदेश के चिराला मंडल में चंद्रापेट उनका गांव है। उन्होंने अपनी शुरुआती वैद्यकीय शिक्षा प्राप्त की, गुंटूर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और पौंडीचेरी जिपमेर से MS पूर्ण किया। उसके बाद भारत के प्रमुख वैद्यकीय शिक्षा संस्थान में, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में स्थित है, वहां कार्डियोथोरासिक और वैस्कुलर सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया। अमेरिका के हार्ट इंस्टीट्यूट टेक्सास में जग प्रख्यात कार्डियक सर्जन प्रोफेसर डेंटन ए कूली के मार्गदर्शन में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रोफेसर कूली कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के प्रथम अन्वेषक थे जिन्होंने 1,20,000 ओपन हार्ट सर्जरी पूरे विश्व भर में किए हैं। 1997 में डॉक्टर सज्जा को बहुत ही कम उम्र में थोरासिक सर्जरी में अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन शिकागो की फेलोशिप मिली। 3 दशकों की अपनी निपुणता और वैद्यकीय अनुभव के जोर पर डॉक्टर सज्जा ने 14,000 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी प्रतिभागी सर्जन के रूप में की है। उनकी कई प्रतिभाओं में से नई नई खोज करते रहना ये उनका खास पहलू है। वो मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व के पहले रचनाकार थे जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की रोकथाम के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती। ऐसी रचना उन्होंने की। उन्होंने मेमोरी आर्टरी सपोर्ट को भी डिजाइन और पेटेंट किया, जो CABG में सर्जरी में BITA के उपयोग से लोकप्रिय हो गया। ये कार्डियोथोरासिक सर्जरी के लिए टेक्नो कॉलेज इनोवेशन अवार्ड ऑफ यूरोपियन एसोसिएशन में नामांकित किया गया। वैद्यकीय क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2007 में AP साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। वो भारत से एकमात्र फैकल्टी थे जिन्होंने कार्डियक और वैस्कुलर सर्जरी एसोसिएटेड अक्यूट किडनी इंजरी में वक्तव्य किया था, जो JAHA 2018 में प्रकाशित हुआ। मई 2013 में डॉक्टर सज्जा को अमेरिकन कार्डियक थोरासिक सर्जरी AATS में एक सक्रिय सदस्य के रूप में चुना गया था, जो कि कार्डियोथोरासिक बीमारी और इसके सर्जिकल उपचार के बारे में अंतरराष्ट्रीय कार्डियोथोरासिक सर्जिकल क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए था। 1917 में इसकी स्थापना के बाद वो भारत के चौथे कार्डियक सर्जन थे। वो एनल्स ऑफ थोरासिक सर्जरी, यूरोपियन जर्नल ऑफ कार्डियोथोरासिक सर्जरी, एशियन कार्डियोवैस्कुलर और थोरासिक एनल्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी कार्डियोलॉजी, इंडियन हार्ट जर्नल और IJTCVS में अतिथि समीक्षक थे। आज तक उन्होंने 2075 से भी ज्यादा हस्तलिखित किताबों की समीक्षा की है। अभी वो इंडियन जर्नल ऑफ थोरासिक और कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के सेक्शन एडिटर हैं। वो भारत के पहले सर्जन थे जिन्होंने AATS की वार्षिक बैठक में एक पेपर प्रस्तुत किया। उन्हें इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर थोरासिक सर्जन के 2014 के CS सदाशिवन प्रवक्ता से नामित किया गया। 2018 में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में आयोजित AATS की वार्षिक बैठक में कार्डियक सर्जरी में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का परिणाम प्रस्तुत करने वाले पहले भारतीय थे। अभी डॉक्टर सज्जा कार्डियोथोरासिक सर्जरी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हैं और हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में कार्डियोवैस्कुलर सर्जिकल रिसर्च के डायरेक्टर हैं। उनकी सफलता के कुछ बिंदु। 2014 में टोरंटो में उन्हें AATS की 99वीं वार्षिक बैठक में अध्यापक के रूप में बुलाया गया था। कार्डियोथोरासिक सर्जरी के 2018-2019 के उत्कृष्ट अध्यापक अवार्ड उन्हें मिला।
2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस के कार्डियोथोरासिक सर्जन के प्रख्यात डीएमबी अध्यापक से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने पहला इंडियन मल्टीसेंट्रिक ट्रायल कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी संचालित की और 2018 में सैन डिएगो में AATS की वार्षिक बैठक में उसे प्रस्तुत किया। भारत में CABG के दौरान बायलैटरल इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्टिंग के उपयोग के बारे में पहला भारतीय सर्वेक्षण किया। 1917 में स्थापित की गई अमेरिकन एसोसिएशन फॉर थोरासिक सर्जरी की वार्षिक बैठक में उन्होंने पहला पेपर प्रस्तुत किया। 2006 में फिलाडेल्फिया में थोरासिक सर्जरी के 86वें वार्षिक बैठक में कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग विद और विदाउट कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इन पेशेंट्स विद प्री ऑपरेटिव नॉन डायलिसिस डिपेंडेंट रीनल इनसफिशिएंसी अ रैंडमाइज्ड स्टडी नामक एक पेपर प्रस्तुत किया। फरवरी 2007 में थोरासिक और कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी के जर्नल में उनका लेख प्रकाशित हुआ। 2000 में CABG के लिए एक्स्ट्रा फासियल हार्वेस्टिंग ऑफ रेडियल आर्टरी ग्राफ्ट की नई तकनीक पहली बार प्रस्तुत की। वर्ष 2003 में रोम के इटली में आयोजित आर्टीरियल कंडोइट्स फॉर मायोकार्डियल रिवैस्कुलराइजेशन के दूसरे इंटरनेशनल वर्कशॉप में वे पहले भारतीय थे जिन्होंने मूल अनुसंधान प्रस्तुत किया था। पहली बार उन्होंने रेट्रोग्रेड कोरोनरी साइनस परफ्यूजन इन पेशेंट्स विद सीवियर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस की वैद्यकीय चिकित्सा का संकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्डियोथोरासिक सर्जरी जो एक प्रमुख जर्नल है उसमें पहले लेखक के रूप में लगभग 60 मूल लेख प्रकाशित किए हैं। इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने 23 मूल अनुसंधान के पेपर प्रस्तुत किए हैं। समाज के प्रति उनका योगदान, सामाजिक समस्याओं का हल करना और आंध्र प्रदेश राज्य की आरोग्यश्री योजना के तहत गरीब लोगों तक सर्जिकल एक्सपर्टीज की सेवा पहुंचाना और जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं। इन्हीं गरीब लोगों के लगभग 6000 से भी ऊपर ओपन हार्ट सर्जिकल प्रक्रिया में 99.9% सफलता प्राप्त की है। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के कार्यक्रम भी किए। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के लिए मेडिकल कैंप भी उन्होंने आयोजित किए हैं। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में कस्टमाइज रिसर्च कर भारत की लोक संख्या ध्यान में रखकर वो सज्जा हार्ट फाउंडेशन स्थापित करने के लिए प्रेरित हुए जो 2013 में रचित हुई। यह एक स्वतंत्र संस्था है, अकादमी केंद्रित चैरिटेबल ट्रस्ट। हृदय रोग के लोगों को जीने का तरीका सिखाने में उनका योगदान बहुत बड़ा है। ऑप्शन, हृदय रोगियों को जीने का तरीका सिखाने में उनका योगदान बहुत बड़ा है। इससे डॉक्टर्स को क्लिनिकल और बेसिक साइंस रिसर्च कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में करने के लिए समर्थ बनाते हैं। वैद्यकीय क्षेत्र में बेसिक और एडवांस रिसर्च करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना यह इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है जिसका समाज पर लाभकारी परिणाम होगा। कार्डियोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी और वैद्यकीय क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता का अनुसंधान प्रस्तुत करना यही सज्जा हार्ट फाउंडेशन का उद्देश्य है। अपने सदस्यों को प्रोत्साहित और सशक्त करना जो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट मोडालिटीज को स्वीकार करें। रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को उनकी अभ्यास रचना करने में मदद करते हैं। डेटा हार्वेस्टिंग और एनालिसिस, प्रख्यात पब्लिकेशंस के लिए लेख लिखने की तैयारी करते हैं। प्रोफेसर डेंटन ए कूलीज के 100वें जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष 22 अगस्त को सज्जा हार्ट फाउंडेशन वार्षिक बैठक आयोजित करते हैं। उनका इसके प्रति योगदान और सदस्यों के बीच वैद्यकीय आंध्रपरी साझा करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सालों से काम करने वाले डॉक्टर सज्जा हर एक के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में उनका योगदान एक अविश्वसनीय पहचान बनी है। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि समर्पण और कड़ी मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर लोकेश्वर राव सज्जा, हमें आप पर गर्व है। हमारा भविष्य सुरक्षित रखने और हमारा जीवन स्वस्थ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।